प्रेशर कुकर है यार, इसमें विसल आएगी ना, इसमें बिरयानी बना सकते हो यार, इतनी सारी बिरयानी बनेगी, सब में बटेगी हमारी। शॉप ही उसकी है ना, पॉटरी की। और ये देखिए, ये कितना बोला था मैंने, 240। ये तुलसी जी के कॉफी मग सेट मिल रहे हैं यहाँ पर 24, 300 रुपए में, 24 मिल रहे हैं, वो भी 300 रुपए में। पास्ता प्लेट्स मंगाई है हमने इनसे, देखते कैसी है। यही वाली ना, लगभग ऐसी है लेकिन थोड़ा बड़ा साइज की होती है। तो यहाँ से हमने काफ़ी कुछ लिया है सामान, और मुझे देखो ये वाले प्लांट बड़े अच्छे लग रहे हैं, आपके गार्डन वगैरह में खूब सुंदर लगते हैं इस टाइप के। गुड आफ्टरनून दोस्तों, आज हम कहाँ जा रहे हैं मेरी दीदी? आज हम जा रहे हैं सरप्राइज है एक्चुअली हम ये, इनको पता ही क्यों, इनको खूब सारे बर्तन खरीदने का शौक है ना, तो आज हमने पकड़ा है भैया को और हम लोग लेके जा रहे हैं बर्तन वाली मार्केट, और एक्चुअली होलसेल वाली दुकान में सुना है हमने कि मिलेगा, क्योंकि वो बर्तन वहीं मिलते हैं। अब तो आइडिया लग ही गया होगा आपको, हमें ना पॉटरी लेनी है। हाँ एक्चुअली हमारे गमले सारे प्लास्टिक उसमें लगे हुए हैं, तो हम लेंगे पॉटरी। मिनी दीदी को भी बहुत शौक है प्लांट्स का, तो ये भी लेंगी। और पता है वैसे तो हम बंजारा मार्केट जाते हैं, लेकिन हमारे घर से बंजारा मार्केट भी 1.25 घंटा दूर है। 1.25 घंटा 2 घंटे, तो हमने सोचा हम इस बार होलसेल मार्केट जाते हैं, देखते हैं वहाँ जाके क्या क्या चीज़ें हमें अच्छी मिलती हैं। होलसेल मार्केट है तो ऑफकोर्स प्राइस भी अच्छे मिलेंगे, देखते हैं, अभी तो पहली बार जाके देखते हैं हम, और आपको भी दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं आज। तो वहाँ से क्या क्या खरीदने का प्लान है तुम्हारा दोनों का? जो बजट में होगा। हाँ बजट में, और जो काम की होगा, जो घर में भरे नहीं है ना, तो काम की ही चीजें लाना प्लीज। मैं गिफ्टिंग के लिए भी ले आती हूँ लोगों के, तो मैं अगर घर से बाहर कहीं जा रही हूँ किसी को गिफ्ट देना है तो मेरे पास रहता है सामान, मुझे बार बार बाजार नहीं जाना पड़ता कई बार। तो गाइज हम लोग निकल गए थे खुर्जा, जो कि बुलंदशहर के पास पड़ता है। मैं ये पूछ के आया हूँ कि ये खुर्जा का रास्ता किधर से है, तो वो कह रहा है एक रास्ता है जो यही सीधे जा रहा है और ये बाईपास है, तो ये तो खुर्जे से बाईपास ले जाएगा। पर ना इतनी सारी फैक्ट्रीज दिखाई दे रही है जहाँ पर क्रॉकरी मार्केट, समझ लीजिए मार्केट आगे होगा, लेकिन हाँ देखो शुरू हो गया क्रॉकरी मार्केट, ये फैक्ट्रीज है जहाँ पर क्रॉकरी बनती होगी। इधर भी फैक्ट्री आउटलेट है बहुत सारे, इधर है वो वाले, कई सारे, वो वाले, कई सारे। तो हम आ गए एक होलसेल की शॉप पर, और मैं बता दूं बंजारा मार्केट में भी जो सामान जाता है वो भी यहीं खुर्जा से ही जाता है। तो एक्चुअली यहाँ पर ना पूरा आप समझ लीजिए होलसेल मार्केट और फैक्ट्रीज हैं बहुत सारी जहाँ पर क्रॉकरी बनती है, छोटे सेकंड हैंड्स वगैरह लगा सकते हैं। हाथी कितने के? 50-50 रुपए के। अरे वाह, यहाँ पर ना क्वालिटी एकदम फिनिशिंग में है एक्चुअली, ये भी अच्छी लग रहा है। हम लोगों का मन था कि हम लोग एक बार वहां जरूर जाएं जहां पर ये सारी चीजें बनती हैं, तो हम लोग आ गए यहां पर। वैसे बंजारा मार्केट में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन वहां पर बहुत छांटना पड़ता है हर चीज को, यहां पर आपको फिनिश में और एकदम क्वालिटी वाली चीजें मिलेंगी। इसका सेट है 220 रुपए का, ये पेंटिंग आइटम है देख लो, 40 रुपए का, ये कोई भी ले सकते हो आप, ये भी है, ये भी उसी प्राइस में 40-40 का, ये तो बड़ा सही प्राइस है। और आजकल आपने इंस्टा पे भी बहुत देखी होंगी लोग वॉल पे प्लेट्स वगैरह लगाते हैं, तो ये इस टाइप की प्लेट्स भी मिल रही थी यहाँ पर, और ये 220 रुपीज में थी। शॉप ही उसकी है ना पॉटरी की। और ये देखिए, ये कितना बोला था मैंने, 240। ये तुलसी जी के है। हाँ। ये नया डिजाइन लग रहा है इनका, बड़ा प्यारा सा वाइट में ना, अच्छा लग रहा है ये वाला। तो यहाँ पर वैरायटी तो बहुत ह्यूज है, आप देखने चलोगे तो आपको बहुत नए डिजाइन्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे जो कि आपको अपने आसपास नहीं मिलते हैं। और ये हम लोगों ने ना खुर्जा बाईपास लिया था और वहां से ही ये सारी की सारी शॉप्स शुरू हो गई थी, जो कि होलसेल मार्केट है जहाँ से आप चाहो तो 300, 400, 500 में बड़े वाले भी आपको गमले यहाँ मिल जाएंगे। तो इन शॉप पर ना आपको ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ये लोग प्राइस वैसे भी सही रखते हैं। और यहाँ पर जो मैंने विंडचाइम देखा था इसमें ना 10, 8 और 12 वाला था घंटियों का, और उसी के अकॉर्डिंग प्राइस थे। यहाँ पर मैंने एड्रेस भी मेंशन कर दिया आप सब 25 का होगा, इसमें तो कोई से ले सकते हैं। ये सारे 25 वाले हैं डिजाइन। भैया ये वाला कितने का है? ये वाला वास कितने का है? 220 का। एक है 230 रुपए में, ये बड़े वाले हैं? नहीं अच्छा, ये 360 का, वो 220 रुपए का, 230 का, 200। ये छोटे वाले लगाने के लिए 20 जोड़ा होता है। अच्छा जोड़ा,
ये जूते जोड़े में बिकते हैं? नहीं दिखते होंगे क्योंकि दोनों पहनने हैं। जूते लेने जाओ, सूज लेने जाओ। वही तो मैं कह रही हूँ, ऐसे नहीं दी। देखो कितने अच्छे है वाले, खूब बड़ा सा प्लांट आ जाएगा। आप आराम से खड़ा हो जाना, इसमें पानी मट्टी वट्टी डाल के खूब बड़े हो जाओ इसमें। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो गाइस, शोरूम में और छोटी जो शॉप्स है उनमें काफी अंतर है। शोरूम में जो प्राइस है पॉटरी के या फिर प्लांटर्स वगैरह जो भी आप लेते हो उनके प्राइस बिल्कुल वैसे हैं जैसे कि मॉल में रहते हैं, और जो छोटी शॉप है उन पर आपको थोड़े सस्ते मिल जाएंगे। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप शॉप्स पर जाओ, जो होलसेल वाली छोटी छोटी शॉप्स हैं उन पर काफी प्राइस का डिफरेंस आपको दिखाई देगा। ये वाले ना जो लंबे वाले आप देख रहे हो, ये 130 या 120 के रुपीज के अराउंड थे, और ये जो बड़े वाले हैं इनका प्राइस तो बहुत ही रीजनेबल था, ये 350 रुपीज में थे। काफी सुंदर लग रहे थे देखने में। अगर आपके पास टाइम है तो आप टाइम निकाल कर पहले सारी शॉप्स देखकर और प्राइस कंपेयर करके अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे 6 कप का सेट 70 रुपीज में मिल रहा था, तो इस टाइप से कप सेट भी काफी रीजनेबल प्राइस में थे। और यहाँ पे मैं विंचैन देख रही थी, वही विंचैन जो मैंने थोड़ी देर पहले 10 वाला देखा था, यहाँ पे वो 90 रुपीज में मिल रहा था केवल, और वो 120 रुपए का दे रहे थे पहले। दिखाओ तो बड़ा साइज है, नहीं इसका बड़ा ये 90 का है। ये 8 बैल वाला है, एक 10 का आता है, एक 12 का। 12 वाला अगर आपको चाहिए तो मिल जाएगा। पर पीस कितने का है? एक गिफ्ट का। अच्छा, ये 120 का है। कितने प्यारे लग रहे हैं वाले। देखो डोंगे का सेट मिल रहा है पीछे, तीन वाले। यही सब तो मिलता है बंजारा मार्केट में। बंजारा मार्केट ये बड़ा वाला बंजारा मार्केट है। और क्या है पास्ता बाउल में भैया? और कलर्स जो है वो यही है। लाइन से पॉटरी की शॉप से काफी कुछ लिया है सामान। और मुझे देखो ये वाले प्लांटर्स बड़े अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर ना एक दो शॉप नहीं है, पूरा लाइन से आपको डेढ़ों शॉप मिल जाएंगे। तो आप जैसे बंजारा मार्केट में तो ऑप्शन कम होते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस ज्यादा है। और ये बता रहे थे कि बिल्कुल लास्ट में जाने के बाद टी पॉइंट पे आपको राइट और लेफ्ट में क्रॉकरी भी मिल जाएगी सराउंडिंग की, तो वो भी हम देखेंगे थोड़ी देर में। यहाँ पे खरीदा जा रहा है भाई, दीदी को भी दिखाया जा रहा है। ये थोड़े डिफेक्टिव पीसेस हैं। अच्छा है ना, 70 का लेगा। इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, इसमें हल्के क्रैक ये कहीं नहीं आएगा मैम, क्रैक नहीं आएगा नीचे से। हाँ वो में चल जाएगा। कितने की है मैम? 250 220 इससे बड़ा है, इससे बड़ा नहीं। दोनों तरफ आपको क्या मिलेगी? बड़े शोरूम से ना लें क्योंकि बड़े शोरूम पे बहुत महंगा सामान मिलता है, और छोटे शॉप से लेंगे तो सस्ता मिलता है, वही चीज। और अब हम टी पॉइंट पे आ गए हैं, और दाएं बाएं किसी भी तरफ जा सकते हैं, जैसा कि हमें लोगों ने बताया क्रॉकरी वहीं पे मिल जाएगी आपको। शुरू हो गई है क्रॉकरी की शॉप्स। ये वाली क्रॉकरी की शॉप ज्यादा अच्छी लग रही है, ये वाली है ना, ये वाली ज्यादा अच्छी लग रही है। प्रशांत चलते हैं इस पे देखते हैं। बड़े वाले शॉप फैक्ट्री आउटलेट में चलो, बराबर में छोटी दुकान पे जाना, गली में जाओ, गली में ज्यादा सस्ता मिलेगा। प्रशांत टेराकोटा का भी सामान है यहाँ पे, चलो चलते देखते। ये टेराकोटा नहीं है, है तो ये चीज कहीं लगा दो आप। देखो बर्तन है इनके पास, वो कुक करने वाला भी है। देखो ये भैया तवा कितने का है? तवा ये 100 तवा है मेरे पास। दो क्या करोगे, दो का क्या करोगे? दो कप केटल में चाय सुबह पियेंगे इसमें, कुल्लर वाला स्वाद। पता नहीं कितने का है, केटल दिखाओ। ये मैं उसे छोड़, ये देख ये एक जैसे तुम है ना।
ये वाली बेटा महंगा बहुत, इतना महंगा महंगा बोल रहा है। प्रेशर कुकर है यार, इसमें विसल आएगी ना, इसमें बिरयानी बना सकते हो यार, इतनी सारी बिरयानी बनेगी सब में बटेगी। कितने का है बेटा ये? उतने का ही है जितने का वो आता है मेटल में। तो मेन रोड पर ही ना ये फैक्ट्री आउटलेट की शोरूम थी, और ये जो शोरूम था इसमें ना आपको सब तरह का सामान मिल जाएगा, जितना भी आप क्रॉकरी देखते हो, चाहे वो पास्ता प्लेट्स हो, डिनर प्लेट्स हो, कटोरियां हो, बहुत सारे तरह की चीजें थी उसके पास। लेकिन जो प्राइस थे वो बहुत ज्यादा महंगे कर रखे थे शोरूम की वजह से। फिर हम लोग ना इस पतली गली में आ गए थे, और यहाँ पतली गली में कहते हैं होलसेल का ये पूरा जो मार्केट था, सारी शॉप जो थी वो होलसेल के हिसाब से थी, तो प्राइस भी उसी के अकॉर्डिंग लगा रखे थे इन्होंने। तो कुछ चीजें हमें यहाँ पर पसंद आई, कुछ फ्रेंड्स वगैरह के लिए लिए उन्होंने मंगाई थी। ये देखो ये इस टाइप में मत देखो, इस टाइप में अच्छा कुछ लेना है तो बताओ। ये इसकी शक्ल का, यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे हैं 80 रुपीज में। इनकी शॉप का वो ले लिया, होलसेल की शॉप है वैसे, लेकिन रिटेल में ये 6 पीस वाला सेट दे रहे हैं 80 रुपीज में दे रहे हैं 6, और काफी अच्छा सारे डिजाइन है। इनका नंबर ले लेना, इनकी दुकान का एड्रेस कोई लेना चाहे तो ये दे देंगे। अच्छा ये भी मिल रहा है इनके पास, ये सबसे बड़ा है, फिर ये थोड़ा छोटा है। एक्चुअली हम लोगों ने ये हांडी का सेट पैक कराया है, ये देखिए ये वाला डिजाइन है इसका, डोंगा सेट है, हांडी सेट, हां डोंगा सेट सही बोल रहे हैं। अच्छा लग रहा है, विद हैंडल है, और इसमें तीन साइज का है, 3 पीस का। लगा लीजिए। कितने का दिया ये वाला आपने? 300। ये सही कलर भी है इसका, कलर एक वो भी है ब्लू वाले का, नहीं ये चीज अलग है, वो चीज अलग है। क्या है वो? हैंडल वाला है ये, विदाउट हैंडल, एक्चुअली वो डोंगा सेट है, ये हांडी सेट है। हां ये डिफरेंस है। कॉफी मग सेट मिल रहे हैं यहाँ पर 24 मिल रहे हैं, वो भी 300 रुपए में, मतलब पर पीस 14 रुपए का पड़ेगा। ये अच्छे लग रहे हैं ये वाले मिंदी दी, है ना, ये अच्छे लग रहे हैं, ये अच्छे लग रहे हैं, ये पता कर लो। इसकी पेटी मिलेगी आपको 24 पीस की, कितने रुपए में? 400 रुपए में लगभग, 400। ये सही है डील यार, ये मार्केट सही है, बहुत बढ़िया मार्केट लगा मेरे को। अगर किसी को अपनी दुकान चलानी है तो मैंने चला रहा हूँ, हम अपनी दुकान खोल लेते हैं क्रॉकरी की। हम जो भी जगह जाते हैं हमें लगता है ये बिजनेस कर ले। यहाँ से भी हमने काफी सारी शॉपिंग कर ली है, एक्चुअली फ्रेंड्स ने भी सामान मंगाया है तो उनके लिए भी लेके जा रहे हैं, और साथ में थोड़ा गिफ्टिंग, थोड़ा मिनी दीदी का सामान। सबका हॉल वीडियो कहाँ मिलने वाला है? इंडियन मॉम। हाँ तो मैं आपके साथ बहुत बड़ा सा हॉल वीडियो शेयर करूंगी, हम लोगों ने क्या क्या परचेज किया है, काफी सारी चीजें ली है। पास्ता प्लेट्स मंगाई हैं हमने इनसे, देखते हैं कैसी है। यही वाली ना, लगभग ऐसी है लेकिन थोड़ा बड़ा साइज की होती है, इस साइज छोटा है, इससे बड़ा साइज नहीं है, बड़ा भी है। हाँ जैसे है, ये साइज थोड़ा छोटा है प्रशांत, ये दाल चावल खाने के हिसाब से नहीं, जैसे आप दाल चावल। हाँ ये सिर्फ एक करी रखनी हो। 40 रुपीज पर पीस है ये यहाँ पे, और इसमें ये चार का या छह का सेट है, छह का सेट है ये। तो कितने का पड़ेगा? मिलेंगी ना 240। हेलो, हाँ मैम मैंने फोन, नहीं ये 40 रुपए का एक सेट है ना, ये 6 पीस मिलेंगे 40 रुपए। जिनसे हमने अभी सामान लिया था ना, फिर ये हमें अपने गोडाउन लिया थे, और ये गोडाउन इतना बड़ा था, यहाँ पे सब कुछ मिल रहा था, सारा का सारा सामान था, लेकिन वो सब होलसेल प्राइस पे था, और वो ना शॉपकीपर्स वगैरह लेके जाते होंगे जिनको अपनी शॉप्स वगैरह पे रखना होता है सामान, तो ये पेटियों के हिसाब से मिल रहा था, एक या दो पीस नहीं दे रहे थे ये लोग। ये देखो अचार रखने के लिए छोटा छोटा, वो ये अच्छी है, ये प्रशांत डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए अचार। हम इनके चक्कर में आए अंदर। मैं ना ये काफी टाइम से देख रही थी, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, ज्वेलरी रख लीजिए, स्पाइसेस रख लीजिए किचन में, तो ये ना पर ब्लॉक के हिसाब से सेल कर रहे थे, तो पर ब्लॉक इसका 70 रुपीज का था, तो तीन वाला पड़ा 210 रुपीज का, तो अगर आप पांच वाला लेते हो, चार वाला लेते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको प्राइस मिलेंगे। ये अमेजोन पर बहुत ही महंगा मिलता है, इवन मैंने दिल्ली हाट पर भी देखा है। फ्लैटर प्लेट भी बहुत अच्छी मिल रही है, और ये आप लोगों को कौन सा अच्छा लग रहा है, चार वाला, पांच वाला या तीन वाला? ऑफ कोर्स आप लोग जब तक बताएंगे हम ले चुके होंगे,
बट आपको कौन सा अच्छा लग रहा है बताइए, है ना, कॉन्डिमेंट्स के लिए है जैसे कि अच्छा, अंदर ही रहता होगा बाहर नहीं निकलते हैं। हाँ, इलायची वगैरह और उन सब के लिए निकल आएगा बाहर में भी। ये है 250 रुपए की, ये है 350 की, ये वाला फ्लैट 250 और 350। छोटा वो देख इधर भी है, देख शोपीस तो इधर भी है। प्लेटर प्लेट्स के काफ़ी सुंदर डिज़ाइन थे, ये 150 रुपीस से स्टार्ट थी और यहाँ पर मैं हांडी जो दिखा रही हूँ ये इंडिविजुअल 150 रुपीस की मिल रही थी। आगे तीन के सेट भी मिल रहे थे जो कि 350 के अराउंड में तीन मिल रहे थे, बड़ा, उससे छोटा और सबसे छोटा। कप के जो डिज़ाइंस थे वो भी काफ़ी प्यारे थे, यहाँ पर अच्छी क्रॉकरी मिल रही थी। पास्ता प्लेट्स जो मैं दिखा रही हूँ ये 110 में स्मॉल साइज था और जो 150 में बिग साइज था, यही था ना शायद। ऑफकोर्स बंजारा मार्केट से इकोनॉमिकल है और पता है साथ में क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है, क्योंकि वहाँ पर ना धूल मिट्टी में चिपकी हुई चीज़ें मिलती हैं जिससे ढूंढने में थोड़ा समय लगता है। चीज़ें नो डाउट वहाँ पे भी अच्छी मिल जाती हैं अगर ढूंढने चले तो। ओके, तो हम लोग लौट लिए हैं और हम लोग पता है दोपहर में निकले थे 1 बजे के करीब और अभी आप देख सकते हो 7 बज रही होगी शायद। हाँ, रात हो गई पूरी, रात हो गई है, लेकिन हाँ एंजॉय हमने पूरा किया। पूरी गाड़ी भर के देखो, पूरी सीट पे इधर सामान रखा है, पूरी गाड़ी भरी हुई है, पूरी और पूरी इतना सारा सामान है ना। लेकिन आप लोग ये मत सोचना मैंने खरीदा सारा सामान, बहुत सारा सामान फ्रेंड्स लोगों ने मंगाया है। आपको पता है हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है किटी का, तो जब भी हम कहीं ऐसी जगह जाते हैं तो वो लोग भी हमें पता कर लेते हैं, तो उनको भी जो भी चाहिए होता है तो हम लोग उनके लिए भी लेकर आते हैं। तो ये सामान उनका भी है, हमारा भी है, मिनी दीदी का भी है, सबका सबका मिक्स सामान है। मैं पूरा हॉल वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, ब्लॉग से जुड़े रहना। अब बस अब घर पहुंच ही जाएंगे थोड़ी देर में।